हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th सिलेबस 2023-24 के लिए। सबसे पहले हम लोग यूपी बोर्ड के सिलेबस को डिस्कशन कर लेंगे। सिलेबस को देखने के बाद ही हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे चैप्टर वन आपका कंप्लीट हो गया है, जल्द ही आपके इस यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी मिल जाएगा और सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसका जो सिलेबस का पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी को जरूर ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो जाकर यार टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस बार जो आपका यूपी बोर्ड सिलेबस है कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि मार्च से मतलब फर्स्ट वीक मार्च यानी कि आपकी फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं करवा ली गई हैं, अब जल्द ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो इसलिए जो सिलेबस रहेगा उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं किया जाएगा। इस बार हम लोगों को पूरे पूरे 100% सिलेबस को कवर करना है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं पूरा पूरा सिनारियो जो है 100% सिलेबस का लेकर आया हूँ। देखेंगे कि कितने नंबर कहाँ से पूछा जाएगा, पूरा पूरा सिलेबस देखेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। और इसी प्रकार हिंदी का सिलेबस अपलोड ही हो गया, ये बायोलॉजी का है, उसके बाद आपको इंग्लिश का मिल जाएगा, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, इस प्रकार से सारे सारे आपको सिलेबस मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस जो कि आपका 2023-24 वाले बच्चों के लिए, 2024 का जो बोर्ड परीक्षा हम देंगे उनके लिए। तो आपकी अगर देखें तो कुल मिला के जो इकाई है वो कितनी इकाई है, तो टोटल आपके 12th बायोलॉजी में 5 इकाई है इस बार। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, 5 इकाई हैं। और इस 5 इकाइयों में कई सारे चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर को भी हम लोग पूरा पूरा देखेंगे। तो सबसे पहली इकाई है जनन। जनन में कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, जैसे कि जीवों में जनन हो गया, पुष्पी पादपों में जनन हो गया और मानव जनन हो गया, ये 3 चैप्टर हैं। तो इसको हम लोग अभी बाद में देख लेंगे। तो जनन से आपका 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, कितने नंबर का, 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अनुवांशिकी और विकास से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान और मानव कल्याण से आपके 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 14 नंबर की सूची। और जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग से आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे। और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से आपके 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका कितने नंबर का रहेगा, 70 नंबर का पेपर रहेगा। टोटल अगर योग करेंगे तो कुल योग आपका कितना जाएगा, 70 अंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करेंगे 70 नंबर, तो 70 में हमारा टारगेट रहेगा 65 नंबर। वैसे तो 70 में 70 का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे, लेकिन 65 नंबर कम से कम रखेंगे। और ये 70 में से क्यों, आपको 23 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर जरूरत है पास होने के लिए, केवल 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहला देखते हैं इकाई एक। इकाई एक आपका क्या है, तो इकाई एक आपका जनन है। क्या है आपका इकाई एक, तो इकाई एक जो है आपका वो जनन है। क्या है आपका, जनन है। तो जनन में सबसे पहला जो चैप्टर आएगा जीवों में जनन, जीवों में जनन। अब जीवों में जनन आपका पहला चैप्टर, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना रहेगा जैसे जनन के बारे में, जनन क्या है, जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जातियों को निरंतरता बनाए रखने में सहायक है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जनन की विधियां, अलैंगिक, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां, जैसे द्विविभाजन, बीजाणु जनन, कलिका निर्माण द्वारा, खंडीभवन और पुनरुद्भवन। तो ये पूरा का पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर टू है आपका, क्या है यहाँ पे, चैप्टर टू है। चैप्टर टू आपका क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें जो पढ़ना है, पुष्प की संरचना, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, परागण, परागण के प्रकार कितने हैं पूरा पूरा पढ़ेंगे, अभिकर्मक एवं उदाहरण पढ़ेंगे, वही प्रजनन युक्तियां जो है पूरा पूरा पढ़ लेंगे, पराग स्त्री केशर संकर्षण पढ़ेंगे, दोहरा निषेचन पढ़ेंगे, निषेचन पश्चघटनाएं, भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन पढ़ेंगे, बीज का विकास एवं फल का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे, विशेष विधियां जैसे एपोमिक्सिस क्या है अर्थात असंग जनता पढ़ेंगे, अनिषेक फलन क्या होता है, बहुभ्रूणता क्या है, बीजों के प्रकीर्णन एवं फल का निर्माण का महत्व हम लोग इसमें पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार आपका चैप्टर थ्री है, जो चैप्टर थ्री है
चैप्टर थ्री आपका क्या है, मानव में जनन। और मानव जनन में आपको क्या क्या पढ़ना है, नर एवं मादा जननांग, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरा का पूरा पढ़ेंगे। वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी रचना को पढ़ेंगे। युग्मक जनन, जैसे युग्मक जनन में आपका शुक्राणु जनन और अंड जनन क्या होता है, पूरा पढ़ेंगे। मासिक चक्र, निषेचन, अंतरोपण, भ्रूणी परिवर्धन को हम लोग पढ़ने वाले। तो ये आपका इकाई एक में तीन चैप्टर 14 नंबर का पूरा पूरा कवर करेंगे। उसके बाद इसी में हम लोग मानव जनन में और एक पॉइंट पढ़ेंगे, ब्लास्टोसाइट का निर्माण, सगर्भतात एवं प्लेसेंटा निर्माण, जो कि सामान्य ज्ञान के बारे में जानना है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं घुसना है। प्रसव एवं दुग्ध श्रावण, जिसका हम लोग केवल केवल सामान्य इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 आएगा, इसमें चैप्टर नंबर 4 जो कि जनन स्वास्थ्य, इसमें क्या क्या पढ़ना है, जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचारित रोगों की रोकथाम हम लोग पढ़ेंगे। परिवार नियोजन आवश्यकता को पढ़ेंगे एवं इसकी कितनी विधियां इसको पढ़ेंगे। गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अमीनोसिंथेसिस, बंधता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां पढ़ेंगे, जैसे कि आपका IVF है, जिफ्ट है, गिफ्ट है, इत्यादि जितने भी है, इसको हम लोग सारा सारा पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका इकाई 2 आएगा, इकाई 2 आपका क्या है, वो है आपका अनुवांशिकी एवं विकास। अनुवांशिकी एवं विकास से कुल 18 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा, वंशागति और वित्ता और मिंडली वंशागति मिंडली अनुपात से विचलन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, गुणात्मक विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागति, प्लियोट्रॉफी, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान पढ़ेंगे, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत पढ़ेंगे, गुणसूत्र और जीन पढ़ेंगे, लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, पक्षी, मधुमक्खी, सहलग्नता और जिन विनिमय और लिंग सहलग्न को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार वंशागति में हीमोफीलिया पढ़ेंगे, वरांधता पढ़ेंगे, मनुष्य में मिंडली विकार को पढ़ेंगे, थैलेसीमिया को पढ़ेंगे, मनुष्य में गुणसूत्री विकार को पढ़ेंगे, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को हम लोग पूरा पूरा क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अब आपका चैप्टर सिक्स जो है आपका वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिक पदार्थ की खोज, DNA एक अनुवांशिक पदार्थ है, DNA व RNA की संरचना को पढ़ेंगे, DNA पैकेजिंग, DNA प्रतिकृतियन, सेंट्रल डोगमा, अनुलेखन, अनुवांशिक कूट, रूपांतरण, जीन अभिव्यक्ति नियमन, लैक ओपेरॉन, जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि DNA फिंगरप्रिंटिंग इत्यादि को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा आपका, विकास। तो विकास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, विकास में जीवन की उत्पत्ति को पढ़ेंगे, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण पूरा जीवी पढ़ेंगे, तुलनात्मक संरचना को पढ़ेंगे, भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण को पढ़ेंगे, डार्विन का योगदान पढ़ेंगे, आधुनिक संश्लेषी सिद्धांत को हम लोग पढ़ने वाले हैं, विकास की क्रियाविधि को पढ़ेंगे, जैसे विभिन्नताएं, आपका उत्परिवर्तन हो गया, पुनर्योजन हो गया, एवं प्रतिकृति चयन को पढ़ेंगे, प्रतिकृति चयन के प्रकार को पढ़ेंगे, जीन प्रवाह एवं अनुवांशिक अपवन को पढ़ेंगे, हार्डी बीनबर्न के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, और अनुकूली विकरण जैसे मानव का विकास को हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके विकास के चैप्टर में, ठीक है ना। अब आपका चैप्टर नंबर 3 है, इकाई 3 जो कि आपका है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जो कि आपका 14 नंबर का पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर 8 आएगा आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अब मानव स्वास्थ्य तथा रोग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले उसको देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रोगजनक, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस और एक्सेरियासिस, टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया, अमीबियासिस और रिंग वार्म। तो ये सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट है, ये जितने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि ये इंपॉर्टेंट है, और इनके रोकथाम को पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संरचनाएं जैसे टीके, कैंसर, HIV और एड्स, यौनावस्था जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, ड्रग्स और एल्कोहल के कुउपयोग को हम लोग पढ़ने वाले। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 आएगा, वो क्या आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कारणित। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे खाद्य उत्पादन में सुधार को पढ़ेंगे, पादप प्रजनन पढ़ेंगे, ऊतक संवर्धन पढ़ेंगे, एकल कोशिका प्रोटीन पढ़ेंगे, जैव शुद्धिकरण पढ़ेंगे और मधुमक्खी पालन और पशु पालन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 आएगा, चैप्टर नंबर 10 आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, घरेलू खाद्य उत्पादों में, औद्योगिक उत्पादन में खाद्य सूक्ष्म जीव का कैसे उपयोग है, वाहित मल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रक,
कारक एवं जैव उर्वरक के रूप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इकाई चार है, इकाई चार क्या है आपका, इकाई जो चार है वो है आपका जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, आपका कितने नंबर का, ये 10 नंबर का आपका है। तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 11 जो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना, जैसे अनुवांशिक इंजीनियरिंग, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होता है, इसको हम लोग पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 12 है जो कि जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी की स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, अनुवांशिकी रूपांतरित जीव जैसे बीटी फसलें, ट्रांसजेनिक जीव, जैव सुरक्षा समस्या और बायोपायरेसी एवं पेटेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो आएगा इकाई पांच, इकाई पांच क्या है आपका, वो है आपका, सॉरी थोड़ा अंग में कुछ चला गया है, इकाई पांच आपका लास्ट इकाई है जो कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, आपका यहां से आपका कुल मिला के आपका 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसमें चैप्टर नंबर 13 जो है जीव तथा समष्टियां है, जीव और समष्टियां, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीव और पर्यावरण, वास स्थान एवं कर्मता, समष्टि एवं पारिस्थितिक अनुकूलन, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, सहोपकारिता, स्पर्धा, परवच्चन, परजीविता, समष्टि गुण वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर और आयु वितरण को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है आपका पारितंत्र, चैप्टर नंबर 4 पारितंत्र में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 14 में क्या क्या पढ़ेंगे, पारितंत्र के प्रकार पढ़ेंगे, अपघटक पढ़ेंगे, उत्पादकता एवं अपघटन को पढ़ेंगे, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा का पिरामिड, पोषक चक्र जो कि कार्बन और फास्फोरस वाला पढ़ेंगे, पारिस्थितिक अनुक्रमण को पढ़ेंगे, पारितंत्र सेवाएं जैसे कार्बन स्थिरीकरण, परागण, ऑक्सीजन, अवमुक्ति को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर आपका 15 क्या है, वो है जैव वित्ता एवं संरक्षण, तो इसमें हम लोग किसको किसको पढ़ेंगे, जैव वित्ता की संकल्पना, जैव वित्ता के प्रतिरूप, जैव वित्ता का महत्व, क्षति एवं जैव वित्ता का संरक्षण, हॉट स्पॉट, संकटग्रस्त जीव, विलुप्त, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार आपका चैप्टर नंबर 16 है पर्यावरणीय मुद्दे, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण को पढ़ेंगे, जल प्रदूषण नियंत्रण को पढ़ेंगे, कृषि रसायन और उसके प्रभाव को पढ़ेंगे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता, ओजोन अवक्षय और वनोन्मूलन, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित कोई एक केस स्टडी को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है क्लास 12th बायोलॉजी का पूरा सिलेबस मैंने बता दिया कि इन सारी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग पूरा इस चीज को पूरा सिलेबस में जो यहाँ पे बताया मैंने पूरा का पूरा पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके मीडियम मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मैं जितना मैं इसमें बताया हूं ना सारे चैप्टर फ्री में मैं पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। एसकेएम स्टडी से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ टेलीग्राम पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।